अमूमन साढ़े मुआशरे के अंदर जनाबे वाला इतकाफ करने वाले इतकाफ तो करते हैं, लेकिन इला माशाला कोई अच्छे आबाब भी है ने, लेकिन अमूमन इतकाफ एक जनाबे वाला तमाशा बना के रख लिया लोगों ने, आम लोगों ने जनाबे वाला, लेकिन उन्होंने वास्ते ये सबक मौज कलेमात पेश करके नौकरी मुकम्मल कर लगा। हमारा आज का सबक जो है वो है एहतिकाफ के फजाइल और मसाइल। ग्रामी कदर हजरात, माह रमजानुल मुकर्रम शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमानों मुख्तलफ अकसाम दी, यानी मुख्तलफ किस्म दी इबादत का सुरूर अता फरमाया। उन्हें इबादत विचों एक नहायत लजीज और मुनफरद इबादत रमजानुल मुकर्रम शरीफ दे आखिरी अशरे दा एहतिकाफ है। मेरे दोस्तों, मेरे असीसों, मेरे बुजुर्गो, एहतिकाफ मखलूक नालू राबता मुनकते करके खालिक दी तरफ भरपूर अंदाज दे नाल मतवज्जे होने दा नाम है। साहिबो, एहतिकाफ खलवत दे अंदर रब्बे जुल जलाल दी याद तो मानूस होने का नाम है। एहतिकाफ अपने आदि माहौल चू निकल के और वो चीज़ा के जो आदि तौर पर इंसान का दिल मुआशरे के अंदर लगादियाँ ने, उन्हें तू कत्ता तलक हो के महज रब की मुहब्बत के अंदर मसरूर होने का नाम एहतिकाफ है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गो, एहतिकाफ माहौल दी आलूदगी तू यकसर महफूज हो के रहमत हक दे शबनम दे हुसूल दा नाम है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गो, एहतिकाफ अपने मुआशरे और सोसाइटी के अंदर मौजूद गुजरवी और अपने माहौल की गंदगी को बच के अपने रब की एतात और उसकी बंदगी, बल्कि बंदगी दे गुलशन के अंदर डेरा लगाने का नाम है। मेरे साहिबो, मेरे अजीजो, मेरे बुजुर्गो, एतिकाफ दिल के तमाम मोहल्लिया जिक्र इलाही दे नाल आबाद करन दा नाम है। जिक्र इलाही दे नाल आबाद करन दा नाम है। और फिर जुमला कि एतिकाफ अपनी सोच नू बहरे रियाजत दे अंदर गुसल देन दा नाम है। अपनी सोच नू बहरे रियाजत दे अंदर गुसल देन दा नाम एतिकाफ है। और मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गो, एतिकाफ दुनिया दी लज्जतां तू मुंह मोड़ के, दुनिया दिया लज्जतां तू मुंह मोड़ के आखरत दी चाशनी महसूस करन दा नाम है। और ये बात बिल्कुल मुसलमा हकीकत है कि एतिकाफ एक चाहत है, एतिकाफ एक लज्जत है और एतिकाफ एक उल्फत है। मेरे दोस्तों, एतिकाफ जिंदगी है, बल्कि एतिकाफ बंदगी और ताबंदगी है। इमामुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो, एतिकाफ एक ऐसी इबादत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ऐसी अजीम सुन्नत है कि एतिकाफ दे नाल बंदे दा जाहर भी मुनव्वर होंदा है और बातन भी मुनव्वर होंदा है। बंदे दा जाहिर भी मुनव्वर होंदा है और फिर बंदे दा बातिन भी मुनव्वर होंदा है। एतिकाफ दे नाल दरबारे रिसालत दे जरिए बंदा दरबारे इलाही दे अंदर इंसान नू रसाई दा शर्फ हासिल होंदा है। फिर मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गो, कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 187 रब्बुल जलाल इरशाद फरमाया, वला तुबाशिरुहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। फरमाया, और तुसी अपनियां बीबियां नू हथ ना लगाओ इस हाल दे अंदर कि तुसी मस्जिदां दे अंदर इतिकाफ कर रहे हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गो, एतिकाफ दे मुतल्लक मजीद कलेमात कुछ अर्ज करन तो कबल ये जानना जरूरी है कि एतिकाफ दा माना और मफहूम की है। आओ मैं जुमला अर्ज करना। इमामुल अंबिया
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो एतिकाफ दा लफ्ज अकूफ तो मुश्तक है और अकूफ कहंदे ने किसे दी तरफ मतवज्जे होनु, किसे दी तरफ मतवज्जे होनु और अपने आप नु किसे चीज दे नाल इस कदर मुनसलिक कर लेना और मुनसलिक करके अपने आप नु बंद कर लेना और अपने आप नु रोक लेना, अपने आप नु रोक लेना। तो इमामुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो ऐसी एतिकाफ दा माना और मफहूम उन शरई लिहाज दे नाल एतिकाफ दा जनाबे वाला माना की है कि हुवल इहतिबासो फिल मस्जिदी अला सबीलिल कुर्बते, यानी एतिकाफ शरई माना एतिकाफ दा है वे कि अपने आप नु मस्जिद दे अंदर बंदगी दी खातर रोक लेना, इस चीज का ना एतिकाफ है। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 मेरे सामने किताब मौजूद है। इमाम अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो इस हदीस मुबारक दी रावियां ने उम्मुल मोमिनीन जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, मोमना दी मां अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा फरमांदियां ने कि इन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यातकिफुल अशर अल आखिरा मिन रमजान। नबी दो जहां शहनशाह मुरसला हादी कौन मका इमामुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजान अल मुकर्रम शरीफ के अंदर अम्मा आयशा फरमांदियां ने कि आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमांदे रहे, हुजूर आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमांदे सन। फिर अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा दे अगले कलेमात समात फरमाओ, अम्मा फरमांदियां ने हत्ता तवफ्फाहुल्लाह, हत्ता के आपदा जाहरी तौर पे विसाल मुबारक हो गया, आपदा विसाल मुबारक जाहरी तौर पे हो गया, यानी कि अल्लाह ताला ने सरकार नू अपने कोल बुला लिया, अल्लाह ताला ने हुजूर नू अपने कोल बुला लिया। फिर अम्मा जी का अगला जुमला सुनो इमामुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो अम्मा आयशा फरमांदियां ने सुम्मा तकफा अज़वाजुहु मिन बादेही, सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम फखरे आदम बनी आदम इमामुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे ज़ाहरी तौर ते विसाल कर जान तो बाद आप दी अज़वाज मुतहरात भी एतिकाफ कर दियां रही, आप दी अज़वाजे पाक भी एतिकाफ कीता। फिर अगली रवायत बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर 148 है मेरे सामने इमामुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो इस हदीस मुबारक दे रावी ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला नु सहाबीए रसूल दा नाम की है ऊंचा बोले अज नबी पाक दे सहाबा दा नाम लेना बड़ी बरकत है, तो इस वास्ते जदों भी किसी सहाबी का ना है तो इस वास्ते अर्ज किया जाता है बरकत के वास्ते, जरा तुसी भी अपनिया जुबाना नू पाक करने वास्ते सरकार दे सहाबा का ना ले लो कि हजूर दे सहाबा का ना बरकत वाला होंदा, हजूर का हर सहाबी इज्जत वाला बड़ी शान वाला बड़े मुकाम वाला। तो बहरहाल सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप इस हदीस मुबारक के रावी ने कि जो बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 148 ते मौजूद है कि आप फरमाते ने काना युरादु अलन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कुरआन कुल्ला आमिन मर्रा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते ने कि नबी अली सलातु वसलाम ते हर साल कुरान मजीद नू पेश किया जाता रहा, हर साल हुजूर अली सलातु वसलाम ते कुरान मजीद पेश किया गया। वो किस अंदाज नाल कि जिब्रील अली सलाम आंदे रहे हर साल, जैसा कि रमजान उल मुकर्रम शरीफ के अंदर हमारे यहाँ जनाबे वाला मारूफ है कि जिन्हें हुफाजे इकराम ने कुरान मजीद नमाज तरावी के अंदर सुनाना होंगे वो फिर की करते हैं कुरान पाक का दौर करते हैं, की करते हैं तो दौर कुरान पाक का की कहें किसू कहें कि जनाबे वाला सामे और सुनाने वाला हजरात पहले एक हफ्ते दूजे नूं सुनांदा दूजा फिर पहले नूं सुनांदा, एक दूसरे नूं सुनाना ते सुनना इनू कहंदे ने कुरान पाक दा दौर करना। ते जिब्रील अली सलाम हर साल रमजान उल मुकर्रम शरीफ दे अंदर आंदे रहे
और कुरान मजीद का दौर मेरी सरकार नाल फरमांदे ने। हुजूर जिब्रील अली सलाम नाल कुरान मजीद का दौर फरमांदे ने ते हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ए रवायत जड़ी बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 ते सफा नंबर 100 जनाबे वाला 748 ते मौजूद है ना। नबी अली सलातु वसलाम दे गुलामों हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने जेड़े साल हुजूर दा विसाल होना सी ना ज़ाहरी तौर ते उस साल जिब्रील अली सलाम आए हुजूर नाल कुरान पाक दा दौर करन वास्ते ते एक बार नहीं कीता बल्कि उस साल जिब्रील अली सलाम ने सरकार नाल 2 बारी कुरान दा दौर कीता। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। हुण अगला जुमला सुनो अज दे टॉपिक और अज दे उनवान और अज दे सबक दे रिलेटेड जुमला। मेरी सरकार फरमाया हजरत दीवाकार जनाबे सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नु फरमांदे ने ओए लोगो इसे तरह ही वकाना या ताकिफु कुल्लु आमिन अशरन के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजानुल मुकर्रम शरीफ दे अंदर आखरी अशरे दा इतिकाफ फरमांदे सन ते जेड़े साल हुजूर ज़ाहरी तौर ते पर्दा फरमा जाना सी ना जेड़े साल हुजूर ने ज़ाहरी तौर ते दुनिया तो पर्दा फरमा जाना सी फरमांदे ने फाता काफा इशरी ना फिल आमिल लजी कुबिदा फीह उस साल सरकार ने बजाए आखरी अशरे दा इतिकाफ करन दे हुजूर ने 20 दिन दा इतिकाफ कीता। हुजूर अली सलातु वसलाम ने कितने दिन दा इतिकाफ कीता? 20 दिन दा इतिकाफ कीता। और फिर अगला जुमला इमामुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो मौजमुल कबीर जिल्द नंबर 3 और सफा नंबर 238 ते हदीस मुबारक मौजूद है और इस हदीस मुबारक दे रावी भी जनाबे सैयदना इमाम हसन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम हसन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप इस हदीस मुबारक दे रावी ने के काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो के हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे हुंदे सन। इमाम हसन पाक की फरमांदे ने कि मेरे जान नाना जान मेरे आका करीम मेरे लाजपाल इमाम अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमांदे हुंदे सन मने ताकफा अशरन फी रमजाना काना का हज्जा तैनी व उमरा तैनी फरमाया जेड़ा शख्स रमजानुल मुकर्रम शरीफ के अंदर 10 दिन का इतिकाफ करदा मेरा रब उन्हूं 2 मकबूल हज और 2 उमरे करन दा सवाब अता करदा है। हजरात इस अंदाज दे अंदर और नबी करीम अली सलातु वसलाम दे इस फरमान दे अंदर यकीनन हिकमत और फिर उम्मत दे ओ गरीब के जेड़े बजाहर माल नहीं रखदे बजाहर रुपया पैसा नहीं रखदे के जेड़े जनाबे वाला इतना रुपया पैसा खर्च करके हज करन वास्ते या उमरा करन वास्ते नहीं जा सकते लेकिन कल कयामत वाले दिन कल कयामत वाले दिन वो अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कर सकते सन के मालिका साडे कोल ते वसायल ही नहीं सा इस वजह तू हज नहीं कर सके इस वजह तू उमरा नहीं कर सके हज करन दी फजीलत दे अंदर उमरा करन दी फजीलत दे अंदर मौला तेरे महबूब ने जो रहमतां रखियां ने लिहाजा असी ते महरूम हो गए तेरे महबूब दे फरमान दी उस रहमत कोलों। अल मुख्तसर मेरी सरकार ने अपनी उम्मत दे गरीबां नूं तसल्ली देंदे होया फरमाया उम्मत दे गुरबा दी तसल्ली दे वास्ते मेरी सरकार फरमाया ओए मेरी उम्मत दे गरीबो परेशान ना होया जे कि साडे कोल बज़ाहर पैसा नहीं साडे कोल बज़ाहर वसायल नहीं। मेरी सरकार फरमाया कोई बात नहीं पैसा नहीं कोई बात नहीं वसायल नहीं जदू भी रमजान उल मुकर्रम शरीफ और तुहाडी जिंदगी दे अंदर आए ना ते रमजान उल मुकर्रम शरीफ दे आखरी अशरे दा इतिकाफ कर लेना अपने रब दी बारगाह च डेरा लगा लेना अल्लाह एक हज नहीं अल्लाह एक उमरा नहीं बल्कि 2-2 हज ते 2-2 उमरियां दा सवाब मेरा रब तुहानू अता करेगा मेरा रब 2-2 हज ते 2-2 उमरियां दा सवाब अता करेगा। हजरात अज दा सबक अज दा टॉपिक अज दे उनवान दे आखरी कलेमात अज दे सबक दे मैं आप बाप दी समातां दी नजर करना चाहना बुखारी शरीफ दे अंदर हदीस मुबारक का कुछ इस तरह भी है मैं माइक नहीं बता नबी करीम अली सलातु व सलाम ने एतिकाफ दी सूरत दे अंदर एतिकाफ दी सूरत दे अंदर सर मुबारक अम्मा आयशा फरमांदियां ने दिलवाना चाहिया बिलखसूस ओ मोतकिफ हजरात
जो एतिकाफ दी जनाबे वाला नीयत किते बैठे ने या अमूमन एतिकाफ दी जनाबे वाला ये चाहत रखते ने और करते ने उन्होंने ये सबक जनाबे वाला याद करना चाहिए और ये पूरा उतरना चाहिए। अमूमन साढ़े मुआशरे के अंदर जनाबे वाला एतिकाफ करने वाले एतिकाफ तो करते हैं लेकिन इला माशाला कोई अच्छे आबाब भी है ने लेकिन अमूमन एतिकाफ एक जनाबे वाला तमाशा बना के रख लिया लोगों ने आम लोगों ने जनाबे वाला लेकिन उन्होंने वास्ते ये सबक मौज कलेमात पेश करके नौकरी मुकम्मल कर लगा। अम्मा आयशा फरमा दी ने कि सरकार बैठे सन एतिकाफ से तो एतिकाफ की हालत हजूर ने सर मुबारक दलवाना चाहिया सर मुबारक दलवाना चाहिया तो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर खिड़की जड़ी हुजरा पाक वाल सी ना तो हजूर मुबारक आप मस्जिद ही रहे जलवा फरोज रहे तो अपना सर मुबारक ने खिड़की चूंदी हजूर ने बाहर कढ़िया की कीता। अज तो जनाबे वाला मामला ही उल्टे इतकाफ का मोबाइल भी इस्तेमाल हो रहा राबते भी घर वाले नाल पूरे ने मैं समझना अफतार पार्टियां भी फिर जनाबे वाला मस्जिदां च हो रही ने ओ फलाने तू भी आ जाई तो तू भी आ जाई है तो जनाबे वाला एतिकाफ बहन के अंदाज भी ये ने और फिर उठन के जड़े अंदाज ने वो फलाने नू भी बुलायो फलाने नू भी बुलायो और फिर एतिकाफ के दौरान इला माशाला बारे बारे जाइए उन्होंने लोगों तू भी घर आलिया तू भी स्पैशल भेजते ने मुन्ने अज आया जे पुत्र पुछ के आया जी अज की खाना अज की भेजिए तेरे वास्ते वो मैं पूछना जे एतिकाफ से बह के भी तेरा जनाबे वाला ख्याल डिशा की तरफ ही है तो फिर तो तू दुनिया की तरफों अपना जनाबे वाला तवज्जो ना हटाई फिर तो तू जनाबे वाला अपने रब की बारगाह च अपने आप नू पेश ना किया दुनिया के मामलात नू दुनिया की आलूदगी तू अपने आप नू पाक करने वास्ते वो दुनियादारी के मामलात तू तवज्जो हटा के अपने रब की बारगाह च डेरा ला लैण दा ना एतिकाफ है ते तेरे मामलात जे उइयो ही ने ते फिर भाइया एतिकाफ एवें ही अपने आप नू बन लिया इन दिनों वास्ते भावें इत्थे रह ते भावें उत्थे रह एतिकाफ कोई नहीं हो ते जे एतिकाफ करना चाहना ते सुनो हजूर की तालीमात ते अपने आप नू इन चीज़ों ते पाबंद कर लई ते फिर वेखी फिर एतिकाफ की लज्जत फिर वेखी एतिकाफ का सुरूर ते फिर वेखी एतिकाफ की वजह तू मेरा रब तेरे ते करम किन्ना करदा अम्मा आयशा फरमांदियां ने हजूर बैठे सन एतिकाफ ते सर मुबारक दलवाना चाहिया ते हजूर हजूर मस्जिद की खिड़की चुंदी सर मुबारक बाहर कढ़िया ते आप मस्जिद च ही रहे हजूर जानते सन कि मस्जिद चू एतिकाफ की हालत बाहर जाना जायज़ हालांकि वह नबी अली सलातु वसलाम जिन्हां की हर सांस शरीयत बनती है हालांकि हजूर तशरीफ ले भी जाते तो अमल हजूर के वास्ते खास हो जाता तो रब ताला यकीन ने फरमा देता कि सोना तुसी चले जाओ तुहाडा इतिकाफ दुनिया के किसे कोने च भी तुसी इतिकाफ की हालत च चले जाओ सोनिया तुहाडा इतिकाफ इतिकाफ ही है लेकिन हजूर अली सलातु वसलाम ने उम्मत की तालीम वास्ते उम्मत दे वास्ते सबा कौमोस जुमला जनाबे वाला फरमाया ये अमल फरमा के हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ च रहे सर मुबारक खिड़की चू बार कढ़िया ते अम्मा आयशा फरमांदियां ने मैं सरकार दा सरे अनवर धोता हुजूर दा सरे अनवर धोता दूसरी रवायत है बुखारी शरीफ दी ओदे अंदर मौजूद है अम्मा आयशा दा कंगी करना जनाबे वाला पानी पाना एक अलहदा रवायत तू साबित है और दूसरी रवायत चू अम्मा आयशा फरमादियां ने मैं कंगी की तो बहरहाल मेरे दोस्तों मेरे अजीजो मेरे बुजुर्गो एतिकाफ की हालत के अंदर कंगी करन दा अमल होवे या सर मुबारक धोन दा अमल होवे सरकार मस्जिद चू नहीं गए सरकार मस्जिद चू नहीं गए और फिर जुमला सुनो अंदाजा ते लगाओ जरा तसव्वुर ते करो यार ए खिड़की खिड़की मस्जिद के सामने मौजूद है लेकिन थोड़ा जहा जरा तसव्वुर करी आ जे एक सौखा काम में मस्जिद च खलो के ते अपने आप नू जनाबे वाला टेढ़ा करके ते सार जनाबे वाला बाहर कढ़ के
कितनी देर तक रखना यह सौखा काम नहीं, लेकिन हुजूर ने अमल करके उम्मत दे अफराद नू तालीम दे वास्ते आगाह कर छड़िया। तो अज जनाबे वाला की है एतिकाफ पहाड़ ही बैठे ने, तो जनाबे वाला हाजी साहब चीमा साहब चट्ठा साहब दीवर आबाब जनाबे वाला जेड़े भी एतिकाफ करते हैं, ये मिसाल देने की जनाबे वाला मकसद है। आबाब एतिकाफ ते बैठे होंगे ने, जी सिगरट ना ना पीया तो मेरा मेदा ठीक नहीं रहा, मेरा पेट जनाबे वाला मैनू तंग करता, तो जनाबे वाला कितने टुर जाते हैं टूटिया वाली जगह पर जाके, उत्थे जनाबे वाला सिगरट के कछ लगाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं पता कि टूटिया वाली जगह जी मस्जिद का हिस्सा जरूर है लेकिन मस्जिद नहीं, मस्जिद का हिस्सा जरूर है लेकिन वह मस्जिद। दोस्तों असीसो मेरे बुजुर्गो, अगर एतिकाफ करने वाले नू पता चल जाए कि यह मस्जिद का हिस्सा नहीं, और फिर उत्थे ये लम्हे सिगरट के कश लगाने की सूरत के अंदर उत्थे ठहरन के नाल एतिकाफ टुट जाता वे। मेरे दोस्तों मेरे असीसो मेरे बुजुर्गो, एतिकाफ दे वास्ते जनाबे वाला मस्जिद चू बाहर सिवाय रफा हाजत दे जान दे ओ इजाजत नहीं। हालांकि ओदे वास्ते भी हुक्म है कि भाई अगर लैटरीन के अंदर जनाबे वाला बाहर दीगर आबाब खड़े ने इंतजार की जनाबे वाला नौबत आ गई है, तो फिर वो उत्थे जाके इंतजार नहीं कर सकता, बल्कि मस्जिद के अंदर रह के अपने आप नूं इबादत के अंदर मसरूफ रखे और मौका वेख के ताकि उन्हें जांदियां भी ठहरना ना पवे आउंदियां भी ठहरना ना पे, और जरूरत तो ज्यादा वो जनाबे वाला गुसलखाने के अंदर भी ठहरे ना। एतिकाफ वाले आबाब के वास्ते इन चीज़ों का ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों मेरे बुजुर्गों, अलगर्ज के एतिकाफ ना है दुनिया की आलूदगी नालू अपने आप नू पिछा ढा के अपने रब दे हां डेरा लगा के अपने रब नाल लो लगाने का ना एतिकाफ है। तो दुआ है अल्लाह महबूबे करीम अलैहिस्सलाम दा वसीला ए एतिकाफ की अफादियत, एतिकाफ की बरकात, ए रूहानीयत अल्लाह महबूबे करीम अलैहिस्सलाम दा वसीला सानू सारियां नू नसीब करे। अल्लाह ताला ए रूहानीयत ए रूहानी सबक अल्लाह ए रूहानी गिज़ा अल्लाह ताला सानू सारियां नू नसीब करे, जिंदगी दे अंदर बार बार नसीब करे, हज़ार बार नसीब करे। अल्लाह ताला तमामी दा हामी व नासर होवे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलातु वस्सलाम।